Good morning to all of my lovely students. In previous class, I have discussed some physical properties of D block elements. And in today's lecture, I will discuss another physical properties of D block elements. Okay. And this is what? Melting point. Our topic is melting point. First of all, my question is, what is melting point? Okay. Melting point means क्या है? Melting point means it is the temperature at which solid state is started to melt. Okay, and solid state is converted to liquid state. Okay, the temperature at which solid is converted to liquid, this temperature is known as melting point. You can see here, this is solid and solid is started to melt. Okay, the temperature at which this solid is started to melt, this temperature is known as what? Melting point. Now, melting point is depends on various factors. First one is symmetry of molecules. Okay, the molecule symmetry hai ya phir nahi, uske upar kya karega? Melting point depend karega. Second point is hydrogen bonding. Agar koi bhi molecule hai, uske andar kya hai? Hydrogen bonding present hai. To kya hoga? Usko break karne ke liye zyada energy provide karna hoga. Means wahan pe melting point zyada hoga. Theek hai na? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड है, ठीक है. अनदर वन इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अनदर पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है या फिर कम है, उसके ऊपर भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स करे डिपेंडेंट है, ठीक है. अनदर वन इज व्हाट? पोलैरिटी. अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब उसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ना. उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट? मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है. स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है तो वहां उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, मीन्स इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. वीक मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो एनर्जी लेस अमाउंट प्रोड्यूस करने से हो जाएगा, ठीक है. मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. दीज आर द वेरियस फैक्टर at which melting point is dependent. Okay. Next, melting point and boiling point high hai. ठीक है. In which case high melting point and boiling point. Okay. Or what is the reason for melting point and boiling point is high? What will be the reason? Okay. The reason is that due to strong metallic bond and the presence of half fill d orbital. ठीक है. अगर किसी के पास half fill d orbital है, तब क्या होगा? In that case, metallic bond भी strong होगा. Metallic bond strong होगा मतलब क्या है? ज्यादा फोर्स ऑफ ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसको मेल्ट करने के लिए या फिर बॉइल करने के लिए. That's why higher melting point and boiling point होगा in that case. Okay. Second point is what? Involvement of greater number of electrons from n minus 1 d in addition to the ns electrons in the inner atomic metallic bonding. Okay, मतलब n minus 1 का जो d orbitals है वहां से क्या होगा? Electrons involvement होगा, ठीक है. इन्वॉल्वमेंट होगा मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना. बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटोमिक बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उसका जो एन माइनस वन शेल में डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है. एंड मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. दैट्स व्हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which group element has the highest melting point? ठीक है. ग्रुप क्या है? ग्रुप वन, ग्रुप टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे ग्रुप है. अभी कौन सा ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है. Which group element has the highest melting point? मेल्टिंग पॉइंट कौन सा ग्रुप का ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स आंसर विल बी ग्रुप सिक्स, ठीक है. ग्रुप सिक्स का जो एलिमेंट्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है. तो ग्रुप सिक्स में कौन कौन प्रेजेंट है देख लेते हैं. तो ग्रुप सिक्स में जो थ्री डी सीरीज है, थ्री डी सीरीज में ग्रुप सिक्स में कौन प्रेजेंट है? क्रोमियम,
4D सीरीज में मॉलिब्डेनम एंड 5D सीरीज से टंगस्टन, ठीक है। अभी ग्रुप 6 का जो एलिमेंट्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। उसका रीजन भी होगा, ऐसे वैसे तो कोई हमने नहीं बोल दिया जो ग्रुप 6 का जो एलिमेंट्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके पीछे भी रीजन होगा। तो उसका रीजन ये है, ग्रुप 6 का जो एलिमेंट्स है उसके अंदर ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ क्रोमियम व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज व्हाट, 3d 5 and 4s 1, means total number of unpaired electron is what, 5 and 6, okay, 6 unpaired electron present hai, theek hai, means koi 6 aur koi element ka jo unpaired half filled hai uske sath bond form kar sakte hai, means wahan pe jo metallic bond formation hoga wo strong hoga, theek hai, kyunki zyada number of unpaired electron present hai, to metallic bond strong hoga to usko break karne ke liye tumko zyada energy provide karna hoga, means melting point bhi zyada hoga. Is it clear to all of you? Okay, means chromium it has higher क्या है number of unpaired electrons से molybdenum and tungsten, ठीक है, ये same group का है, okay? तो उसका जो फैक्टर है, फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो तुम लोग देख सकते हो क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन उसका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दैट्स व्हाई उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रुप 6 एलिमेंट्स का क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज फॉर 3D सीरीज, 3D सीरीज के लिए मेल्टिंग पॉइंट ये वाई एक्सिस में क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्स एक्सिस में क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड दिस ट्रेंड फॉर 3D सीरीज एंड दिस ट्रेंड फॉर 4D एंड दिस इज फॉर 5D सीरीज, ओके। यू कैन सी दैट इन केस ऑफ 3D सीरीज क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, in case of 4D molybdenum has highest melting point, in case of 5D tungsten has highest melting point, okay. And what is the reason why chromium molybdenum tungsten has highest melting point, already I have discussed, okay, you already know this, okay. Abhi compare kar lete hain, theek hai, 3d 4d and 5d, theek hai, tino group tumko de diya hai. Abhi among three groups which elements has highest melting point, अभी comparison अगर हमने किया है तब क्या होगा answer, tungsten, ठीक है, among chromium molybdenum and tungsten, tungsten has the highest melting point, why, because of its it contains more unpaired electrons, okay, and from this above graph we can conclude that tungsten has highest melting point than chromium and then molybdenum, is it clear to all of you? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसका आंसर तुमको मालूम है क्योंकि ये मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड इन 3D सीरीज, 3D सीरीज में उसका जो ट्रेंड है वो क्या है, एस मैंगनीज एंड जिंक हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सो दे वन नॉट लाइक टू lose electrons for delocalization leads weak metallic bonding hence low melting point, means manganese and zinc kya hai uska melting point kya hai low hai, uska reason kya hai kyunki manganese jo hai na uska electronic configuration kya hai 3d5 4s2, theek hai, एंड जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s2, ठीक है ना,
मीन्स ये भी हाफ फिल्ड है, मैंगनीज इट इज हाफ फिल्ड, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स इट इज हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज यू ऑलरेडी नो. ओके, इन केस ऑफ जिंक व्हाट हैपन, देयर इज इन केस ऑफ डी देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन एस देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट इज फुल फिल्ड एंड इट इज हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. ओके, सो हाफ फिल्ड एंड इट इज फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन, दैट्स व्हाई क्या होगा, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं होगा, ये उसका टेंडेंसी नहीं है क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है. ठीक है, सो दे वर नॉट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर डिलोकलाइजेशन. डिलोकलाइजेशन के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना अगर उसका टेंडेंसी नहीं है तो वो जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा वो क्या होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. तो वीक मेटेलिक बॉन्ड को तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कम एनर्जी प्रोवाइड करने से भी वो मेल्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मैंगनीज एंड जिंक मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, लो. ओके ओके, नेक्स्ट अनदर प्रॉपर्टी इज व्हाट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, डीब्लॉक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या होगा वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, कोई भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके बेसिस से हम उसको टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वन इज वॉट पैरामैग्नेटिक एंड अनदर वन इज वॉट डायमैग्नेटिक. Now my question is, what is paramagnetic? Okay, paramagnetic means substance attracted magnetic field. ठीक है, अगर कोई भी एक substance magnetic field में क्या है attracted हुआ है तो this substance is paramagnetic in nature. Okay, and उसका और एक property है वो क्या है, this one minute. Okay, and paramagnetic substance always contain unpaired electrons. Okay, it must contains unpaired electrons. अगर unpaired electron present है, तो this substance is what paramagnetic in nature. Okay, अगर कोई भी substance है, उसके पास सबके सब paired है. ठीक है, मतलब unpaired electron नहीं है, means absence of unpaired electrons. ठीक है, then this type of substance is diamagnetic in nature. Okay, and this substance will repelled by magnetic फील्ड. ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको रिपेल करेगा. ठीक, क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब के सब क्या है, पेयर्ड है. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज डायमैग्नेटिक एंड व्हाट इज पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक में क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पेयर्ड होगा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक व्हाट हैपन, ये सब क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक व्हाट हैपन, पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सबसे सब क्या होगा, पेयर होगा इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक. ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, दिस इज व्हाट, कलर ऑफ ए कंपाउंड. ओके, कलर ट्रांजिशन मेटल्स जो है एलिमेंट से वो क्या है, कलर है नॉर्मली, वो कलर क्यों है. ठीक है, उस पर पीछे भी कोई रीजन होगा. ठीक है, दिस शो वेरियस कलर, तो कलर शो करने के लिए उसके पीछे भी रीजन है. रीजन क्या है, मेनी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर कलर ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड एन माइनस वन डी साफ शेल, क्योंकि उसका जो एन माइनस वन डी शेल में जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है. ठीक है, वो कम्प्लीटली फील्ड होने से वो कलर शो नहीं करेगा. ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीटली फील्ड है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब डी डी ट्रांजिशन होगा, दैट्स व्हाई वो कलर फॉर्म करेगा. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके पास एन माइनस वन डी सबशेल है, उसमें अगर इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है देन इट विल शो कलर. ओके, second point is what, in the isolated atom or ion the 5d orbitals are divided into two categories namely eg and 2tg. ठीक है, with different energies.
हाँ, ये जो तुम्हारा क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ए सी एफ डी ये तुम लोगों ने अभी भी स्टडी नहीं किया है, दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है, ठीक है, फ्रॉम सी एफ डी का, ये सी एफ डी है, ठीक है। तो अभी भी ये क्लास नहीं हुआ है सी एफ डी का, ठीक है। तो फिर भी मैं ये शॉर्टली ये डिस्कस कर लेती हूँ, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लास में डिस्कस करूंगी उस टाइम डिटेल्स डिस्कस करूंगी, ठीक है, व्हाट इज सी एफ डी, सी एफ डी में क्या होता है, ठीक है। तो सी एफ डी में क्या होता है, एक्चुअली जो डी ऑर्बिटल्स से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ओके, ये जो डी फाइव ऑर्बिटल्स होता है वो डी जेनरेट स्टेट में होता है, मतलब उसका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये सी एफ टी में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है, ये जो फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिट होके वन इज व्हाट टी टू जी एंड अनदर वन इज व्हाट टी जी, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो टी टू जी में क्या क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल है, एंड ई जी के अंदर क्या क्या है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है। एंड दिस इज द एनर्जी के इट इज डिनोटेड एज डेल्टा ओ, ओके। तो माय क्वेश्चन इज दैट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट शो कलर, व्हाई इट शो कलर, बिकॉज़ व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ओके, व्हेन इट इज इन ग्राउंड स्टेट देन व्हाट हैपेंस, इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन एंड इट विल एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी स्टेट, ओके, एंड डीडी ट्रांजिशन विल बी अकर। फॉर डीडी ट्रांजिशन ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, सम एलिमेंट्स आर एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच शो कलर, ओके, दिस इज द रीजन, आंसर इज फॉर डीडी ट्रांजिशन, ओके। एस यहाँ पे एक टेबल है, कलर ऑफ सम फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस, उसका कलर क्या है मेंशन किया गया है टेबल में, यू कैन सी हियर इन स्कैंडियम प्लस थ्री, ठीक है, स्कैंडियम प्लस थ्री वो क्या है, कलरलेस है। तो ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, मैम आपने बोला था जो डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, ज्यादातर क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, इतने टाइम आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन अब स्कैंडियम प्लस थ्री कलरलेस क्यों है, तो उसका रीजन क्या है, ये क्या है, स्कैंडियम प्लस थ्री आयरन दिया है, नॉट स्कैंडियम, ठीक है। तो स्कैंडियम प्लस थ्री मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल से थ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, तो उसका डी ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जीरो, जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जीरो इलेक्ट्रॉन होने से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला था, जो T2g and Eg orbital है, ground state से अगर excited state में electron का transition हुआ है, तब क्या होगा, d transition होने से compound color होगा। लेकिन in case of scandium plus यहाँ पे तो कोई d orbital में electrons है नहीं, तो electron का transition कैसे होगा, तो electron का transition नहीं होगा तो color नहीं होगा, that's why it is colorless, okay। And in case of titanium plus 4 again here डी शेप डी ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, मींस ये क्या है, कलरलेस है, ओके। एंड टाइटेनियम प्लस थ्री इट इज पर्पल इन कलर, व्हाई इट इज पर्पल इन कलर, बिकॉज इन टाइटेनियम प्लस थ्री दे आर थ्री डी, इट्स कॉन्टेन वन इलेक्ट्रॉन, एंड इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांजिशन ऑकर फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ठीक है। Vanadium plus 4, it is blue color. Vanadium plus 2, okay. Color is mentioned here, okay. Okay, next important question is that, ma'am, why zinc plus 2 is colorless, okay. Remaining all the elements are colored except zinc plus 2, scandium plus 3 and titanium plus 4, okay. Why zinc plus 2 is colorless? The reason is that, yes, can zinc plus 2, the electronic configuration is what? 3d10 4s2, means it is stable electronic configuration, 3d10 and 4s2, stable electronic configuration here, and d ke andar 10 electrons hai, to abhi waha pe electron ka transition kaise hoga, kyunki everyone is full filled hai, theek hai, fully filled hai, waha pe koi transition nahi hoga, matlab dd transition nahi hoga, theek hai, transition nahi hoga to color कैसे शो करेगा, दैट्स व्हाई जिंक प्लस 2 इट इज कलरलेस, रीजन इज दैट जिंक प्लस 2 इट इज फुल्ली फिल्ड, ओके।
Now there are some important factor. Color depends upon किसके ऊपर डिपेंड करेगा. Number one is presence of unpaired electrons. Another one is ये मैंने explain कर दी. अगर unpaired electron present है तो compound color show करेगा. Otherwise ये color नहीं होगा. ठीक है. Nature of ligand, geometry of the complex. Okay. And write in your copy. When d orbital is completely filled, compound is colorless. As for example, zinc. As for example, zinc plus 2. Okay, d orbital it is completely filled है, तो वहाँ पे कोई d transition नहीं होगा. मतलब compound क्या होगा? Colorless होगा. ठीक है. हाँ, तो मैंने बोल दिया है d transition होने से compound क्या होगा? Color होगा. ठीक है. लेकिन और एक रीजन भी है, लाइक बी और टू प्लस सी आर और फोर माइनस टू, दिस टाइप ऑफ आयंस आर आल्सो कलर. बट वहां पे तो कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, फिर भी वो कलर है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. ठीक है, वहां पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आयंस शो कलर. ओके, सम आयंस आर कलर इवन दो दे हैव नो इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल. उसके पास को इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी वो कलर है. तो उसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. ठीक है, तो कोई भी एक कंपाउंड है वो कब कलर होगा? तो फर्स्ट रीजन क्या है? अगर डीडी ट्रांजिशन हुआ है तो क्या होगा? कंपाउंड कलर हो सकता है. तो डीडी ट्रांजिशन कब होगा? जब उसके पास इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, तब डीडी ट्रांजिशन होगा. ठीक है. अनदर रीजन इज व्हाट? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन अगर हुआ है तो क्या है? कंपाउंड और आयंस क्या हो सकते हैं? कलर. ठीक है, दीज आर द टू रीजन. ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस एलॉय. ठीक है, इन डिटेल्स. ओके, तो आज के लिए इतना तक ही. ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो feel free to contact. Okay, message कर सकते हो या फिर phone कर सकते हो. ठीक है. Okay, bye. Thank you.